बड़े लोग बड़ी बातें में आज दलित नेता कांशीराम की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। कांशीराम ने बामसेफ की स्थापना की। 5 मार्च 1934 को जन्मे कांशीराम को उत्तर प्रदेश में दलितों का मसीहा कहा जाता था। 1958 में ग्रेजुएशन करने के बाद कांशीराम ने पुणे स्थित DRDO में बतौर सहायक वैज्ञानिक काम किया था। इसी दौरान अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी को लेकर किए गए उनके संघर्ष से उनका मन ऐसा पलटा कि कुछ साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर खुद को सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में झोंक दिया। उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को नौकरियों में लगे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग और धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के साथ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसेफ की स्थापना की। मायावती को कहा, अफसर नहीं सरकार बनाना चाहता हूं। 1977 में कांशीराम दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में प्रभु दयाल के घर पहुंचे थे। मायावती उस समय लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रही थीं। उन्होंने मायावती से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? इस पर मायावती ने कहा, मैं IAS अफसर बनना चाहती हूं ताकि अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। मायावती के इस जवाब पर कांशीराम ने कहा, मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां दर्जनों IAS अफसर तुम्हारे सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। तुम तय कर लो तुम्हें क्या बनना है। कांशीराम ने DS4 की स्थापना की। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 की स्थापना की। 1982 में उन्होंने द चमचा एज लिखा, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्यधारा की पार्टी के लिए काम करते हैं। 1983 में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। बाद में 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। दलितों को संविधान का सही मतलब समझाया। कांशीराम ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भारतीय संविधान का यही प्रचार दलित उत्थान के लिए है। उन्होंने गांव गांव जाकर अपने हक की लड़ाई के लिए दबे कुचले लोगों को संगठित किया था। वो हमेशा कहते थे, बाबा साहब का संविधान हमारे लिए हक और अधिकारों की रक्षा के लिए बना है। सफेद और नीला रंग ही पहनते थे कांशीराम। कांशीराम ने अपना पूरा जीवन दलित संघर्ष में झोंक दिया था। उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर साइकिल दौड़ाई और मीलों पैदल भी चले। कई बार ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने फटी कमीज पहनकर भी दलितों की अगुवाई की। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नीली या सफेद कमीज के अलावा किसी दूसरे रंग का कपड़ा नहीं पहना। मुलायम और कांशीराम की मुलाकात चर्चा में रही। उत्तर प्रदेश में सत्ता को लेकर गठबंधन के लिए कांशीराम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से सभी पार्टियां सकते में आ गई थीं। दोनों की मुलाकात में एक नारा गूंजा, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। वाजपेयी कांशीराम को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को मंत्री और कांशीराम को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने वाजपेयी का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने वाजपेयी से कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाले कांशीराम सत्ता को दलित की चौखट तक लाना चाहते थे। वे राष्ट्रपति बनकर चुपचाप अलग बैठने को तैयार नहीं हुए। नारों के सरताज रहे थे कांशीराम। कांशीराम के नारे आज भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मशहूर हैं। उनके नारों ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के चुनाव में भी अपना एक स्थान बना लिया था। बाद में उनके नारों में मायावती ने कुछ नारे जोड़े, जिसमें चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर, या फिर एक नारा गूंजता था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। कांशीराम 85 बनाम 15 नंबर को सियासी मास्टर चाबी कहते थे। कांशीराम ने लोगों को 85 बनाम 15 नंबर का नारा हमेशा समझाते थे। वो अपने साथियों से कहते थे, जिसके पास नंबर गेम उसके पास सत्ता की चाबी, जिसके पास नंबर ज्यादा उसके पास सत्ता की चाबी, लेकिन जरूरत के समय कम नंबर वाला भी गेम चेंजर होता है। मरने से पहले कांशीराम ने परिवार को चिट्ठी लिखी। कांशीराम अपना घर छोड़ने से पहले परिवार के लिए एक चिट्ठी छोड़ गए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, अब कभी वापस नहीं लौटूंगा। और वो सच में नहीं लौटे। उन्होंने ना घर बसाया, ना ही कोई संपत्ति बनाई। परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर भी वो घर नहीं गए। परिवार के लोग कभी लेने आए तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। बड़े लोग बड़ी बातें में आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में होंगे कुछ नए किस्से और कहानी। तब तक के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।